हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th में प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी हम पढ़ रहे हैं, जिसमें लास्ट लेक्चर में हमने ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन पढ़ी थी और इस लेक्चर में हम ट्रांसफॉर्मेशन के मेथड्स पढ़ेंगे। तो ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस क्या है? द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ आरडीएनए इनटू होस्ट ऑर्गेनिज्म। आरडीएनए क्या है? द डीएनए विच कंटेन जीन्स फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। डिफरेंट सोर्सेज का मतलब ये हुआ कि एक तो क्लोनिंग वेक्टर खुद जो प्लाज्मिड है वो, और एक जीन ऑफ इंटरेस्ट जो हमने उसमें डाल दी है वो। अब इसको मिलाकर पूरे को हम आरडीएनए बोल रहे हैं, ठीक है। इस आरडीएनए को कॉम्पिटेंट होस्ट में ट्रांसफर करने के मेथड को ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं, और जो होस्ट उस डीएनए को रिसीव कर सकता है उसको कॉम्पिटेंट होस्ट बोलते हैं। किसी भी सेल को कॉम्पिटेंट होस्ट बनाने के लिए या तो उसको टेम्परेचर ट्रीटमेंट दिया जाता है 0 से 45 और 42 डिग्री सेल्सियस, फिर वापस से 0, जिससे कि उसकी सेल एनवलप में, सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल में टेम्परेरी पोर्स क्रिएट हो जाते हैं, उनसे आरडीएनए एंटर हो सकता है। या फिर दूसरा मेथड, केमिकल ट्रीटमेंट से डाइवेलेंट कैटायंस, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम क्लोराइड या फिर पॉलीथाइलिन ग्लाइकोल के सॉल्यूशन में जब उन सेल्स को रखते हैं तो उनमें टेम्परेरी पोर क्रिएट हो जाते हैं, जिससे कि आरडीएनए ट्रांसफर हो सकता है, ठीक है। तो आरडीएनए को ट्रांसफर करने के मेथड को ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं, और ट्रांसफॉर्मेशन के यह सारे मेथड्स यूज किए जाते हैं। मैं एक एक हेडिंग, पहले आप हेडिंग ये डालिए, आपने लास्ट में लिखा था वेरियस मेथड्स आर, है ना। तो पहली हेडिंग ये डाले, बायोलिस्टिक और जीन गन मेथड। हेडिंग डालिए, मैं इसमें पॉइंट्स बोलूंगा। इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखिए, दिस मेथड इज यूज्ड फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्लांट सेल्स विद आरडीएनए, आर स्मॉल फिर डैश फिर डीएनए, ठीक है। सेकंड पॉइंट, इन दिस मेथड आरडीएनए इज कोटेड ऑन गोल्ड और टंगस्टन पार्टिकल्स। गोल्ड का फॉर्मूला AU होगा और टंगस्टन का W, गोल्ड और टंगस्टन पार्टिकल्स, एंड देन बॉम्बार्डेड ऑन प्लांट सेल्स, एंड देन बॉम्बार्डेड ऑन प्लांट सेल्स। तीसरा पॉइंट लिखें, सम ऑफ द पार्टिकल्स एंटर सेल थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा, एंटर द प्लांट सेल थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा एंड ट्रांसफॉर्मेशन टेक्स प्लेस, ठीक है। तीन पॉइंट हो गए। उसके बाद नेक्स्ट सेकेंड हेडिंग लिखें, माइक्रो इंजेक्शन। इसमें लिखिए, इन दिस मेथड आरडीएनए इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू द न्यूक्लियस ऑफ सेल, एंड द मेथड इज अप्लाइड मेनली फॉर एनिमल सेल्स, ओके। नेक्स्ट, दिस आर पैथोजन मीडिएटेड ट्रांसफर ट्रांसफॉर्मेशन। लिखे, इन दिस मेथड जीन्स कोजिंग डिजीज आर इनएक्टिवेटेड बाय इंसर्शन ऑफ डिजायर्ड जीन, फुल स्टॉप। नेक्स्ट पॉइंट, सच पैथोजन इज नाउ हैविंग आरडीएनए एंड अलाउड टू इन्फेक्ट द एनिमल सेल। नेक्स्ट पॉइंट, ड्यूरिंग इट्स इन्फेक्शन कोमा पैथोजन ट्रांसफर्स अवर आरडीएनए इनटू एनिमल होस्ट सेल एंड ट्रांसफॉर्मेशन टेक्स प्लेस, फुल स्टॉप। फॉर एग्जाम्पल, अगले पॉइंट में लिखे, फॉर एग्जाम्पल रेट्रो वायरसेज, फॉर एग्जाम्पल रेट्रो वायरसेज, ठीक है। तो एनिमल सेल्स के लिए ये मेथड है, एनिमल सेल्स के लिए ही ये मेथड है। उसके बाद नेक्स्ट, इलेक्ट्रो पोरेशन।
लिखे, इन दिस मेथड ए माइल MILD माइल्ड इलेक्ट्रिक शॉक इज प्रोवाइडेड टू प्लांट और बैक्टीरियल सेल विच क्रिएट्स टेम्पोररी पोर्स इन सेल एनवेलप एंड RDNA एंटर्स इनटू द सेल इसी में कंटिन्यू लिख दीजिए. फॉर एग्जाम्पल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बैक्टीरियल एंड प्लांट सेल्स. लास्ट मेथड है एग्रोबैक्टीरियम मीडिएटेड ट्रांसफॉर्मेशन. हेडिंग डाले इसमें लिखिए पहला पॉइंट एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस. ये इसका पूरा नाम है ट्यूमेफेसियंस इज ए ग्राम नेगेटिव सोइल बैक्टीरियम विच कॉजेज इन्फेक्शन इन डाइकोट प्लांट स्टेम्स. इन्फेक्शन इन डाइकोट प्लांट स्टेम्स फुल स्टॉप. सेकेंड ड्यूरिंग इट्स नेचुरल इन्फेक्शन कॉमन एग्रोबैक्टीरियम ट्रांसफर्स TI प्लाज्मिड. TI प्लाज्मिड ब्रैकेट में लिख दीजिए ट्यूमर इंड्यूसिंग. TI का मतलब होता है ट्यूमर इंड्यूसिंग ब्रैकेट क्लोज इनटू प्लांट सेल ड्यू टू विच क्राउन गोल डिजीज अकर्स इन प्लांट. अकर्स इन प्लांट ठीक है. मतलब ये एक ऐसा बैक्टीरिया है जो बायोटेक्नोलॉजी के अलावा खुद ही अपना DNA प्लांट सेल में पहले से ही ट्रांसफर करता हुआ आया है प्लांट सेल स्टेम के अंदर, जिससे इसमें प्रेजेंट जो TI प्लाज्मिड है वो प्लांट सेल के अंदर चला जाता है और उसमें एक ट्यूमर बना देता है. ट्यूमर बनने की वजह से उसको डिजीज हो जाती है क्राउन गोल डिजीज. ये प्रोसेस वो बैक्टीरिया पहले से ही कर रहा है, हमने नहीं कहा और हमने यूज भी अभी नहीं किया है बायोटेक्नोलॉजी में. ठीक है तो हम कैसे यूज कर सकते हैं इसको. हम इस तरह यूज कर सकते हैं कि जो TA प्लाज्मिड है TI उसके अंदर हम अपना डिजायर जीन डाल दें और फिर ये प्लाज्मिड है वो वापस से बैक्टीरिया को ही दे दे, बैक्टीरिया के सेल में डाल दे. अब उस बैक्टीरिया को हम बोलेंगे ट्रांसफॉर्म्ड बैक्टीरिया. उस बैक्टीरिया को हमने प्लांट में इंफेक्शन करने के लिए अलाउ कर दिया. अब वो इंफेक्शन करेगा तो अपना DNA डालेगा तो उसमें हमारी जीन भी है, वो भी उसमें ट्रांसफर हो गई और हो गया प्लांट सेल का ट्रांसफॉर्मेशन. ठीक है नेक्स्ट पॉइंट लिखे द रीजन ऑफ TI प्लाज्मिड कॉजिंग डिजीज. TI प्लाज्मिड कॉजिंग डिजीज इज कॉल्ड TDNA इज कॉल्ड TDNA. मतलब उस जीन की वजह से ये डिजीज होती है तो उसका हम इंसर्शनल इनएक्टिवेशन कर देंगे और फिर अलाउ करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन के लिए. नेक्स्ट पॉइंट द TDNA रीजन इज इंसर्टेड विद फॉरेन जीन फॉर्मिंग RDNA which is given back to competent host bacterium. ब्रैकेट में लिख दो
एग्रोबैक्टीरियम, ठीक है, फुल स्टॉप। अब ये बैक्टीरियम एक ट्रांसफॉर्म्ड बैक्टीरियम है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट, द बैक्टीरियम इज नाउ अलाउड टू इन्फेक्ट द प्लांट ड्यूरिंग विच आवर डिजायर्ड जीन विल बी ट्रांसफर्ड इनटू होस्ट प्लांट। नेक्स्ट पॉइंट, ड्यूरिंग इट्स ग्रोथ कॉमा प्लांट विल प्रोड्यूस प्रोडक्ट ऑफ आवर डिजायर्ड जीन विच कैन बी एक्सट्रैक्टेड आउट फॉर मेडिकल यूज, ठीक है, फुल स्टॉप। समझे, इस प्लांट को यूज किया जा सकता है। तो ये सबसे बड़ा टॉपिक है, अलग अलग पॉइंट के फॉर्म में आपको लिखना है। अगला पॉइंट लिखे, ड्यू टू इट्स नेचुरल एबिलिटी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कोमा एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस इज ऑल्सो कॉल्ड नेचर्स स्मॉलेस्ट जेनेटिक इंजीनियर, नेचर्स स्मॉलेस्ट जेनेटिक इंजीनियर, ठीक है, फुल स्टॉप। तो ट्रांसफॉर्मेशन का जो प्रोसेस है वो यहां पर कंप्लीट होता है, ठीक है। एक बार फिर से रिवाइंड करके जो पॉइंट रह गया है उसको एक बार लिख लीजिए, ओके। यहां ट्रांसफॉर्मेशन टॉपिक कंप्लीट होता है। तो पहला पार्ट जो इस चैप्टर का फर्स्ट हाफ था वो था टूल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, उसमें पहला रेस्ट्रिक्शन एंड न्यूक्लियस, दूसरा क्लोनिंग वेक्टर, तीसरा कॉम्पिटेंट होस्ट और फोर्थ हेडिंग डाल दीजिए डीएनए लाइगेज एंड पॉलीमरेज। ठीक है, हेडिंग डाल कर लिख दीजिए, डीएनए लाइगेज इज एन एंजाइम विच इज यूज्ड टू जॉइन टू डीएनए फ्रेगमेंट्स, ब्रैकेट में लिख दो, डिजायर्ड जीन विद क्लोनिंग वेक्टर, ब्रैकेट क्लोज, फुल स्टॉप। सेकेंड पॉइंट लिखें, डीएनए पॉलीमरेज इज एन एंजाइम विच इज यूज्ड टू मेक न्यू कॉपीज ऑफ डीएनए, जो हमने पहले पढ़ा है, फुल स्टॉप लगा दें। उसके बाद ये पार्ट कंप्लीट होता है टूल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। अब हम पढ़ेंगे प्रोसेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। अब करेंगे कैसे, पहले तो टूल्स, अब करेंगे कैसे, तो ये स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट चीज, तो ये स्टेप ये कि किसके बाद क्या करना है, ठीक है। तो स्टेप समझे, हमें मान लीजिए फिर से वही एग्जाम्पल माइंड में लेकर चले आप, ई कोलाई बैक्टीरिया से इंसुलिन बनाना है। ई कोलाई बैक्टीरिया में एक प्लाज्मिड है, उसको हम क्लोनिंग वेक्टर की तरह यूज करेंगे और इंसुलिन बनाने वाली जीन हम पैनक्रियाज की बीटा सेल से आइसोलेट करने वाले हैं, ठीक है। तो वो ही माइंड में रखें आप कि इंसुलिन कैसे बनाए ई कोलाई से बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू। आइसोलेशन ऑफ डीएनए, सबसे पहले बीटा सेल से डीएनए को आइसोलेट करेंगे और क्लोनिंग वेक्टर को भी हम ले लेंगे दोनों को, ठीक है। फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए बाय रेस्ट्रिक्शन एंड न्यूक्लियेज, सेम रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस से बीटा सेल वाले डीएनए को काटेंगे और उसी रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस से कट करेंगे क्लोनिंग वेक्टर को, ओके। आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट, अब जो बीटा सेल में हजारों जीन बने हैं उनमें से सिर्फ डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट इंसुलिन का जीन है, उसको आइसोलेट करना, वो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस और इल्यूशन के थ्रू हम ले लेंगे वो जीन। एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट, जो ये एक जीन हमें चाहिए इंसुलिन की, वो ये एक है, इसकी मल्टीपल कॉपीज हम एक टेक्निक से बना सकते हैं पीसीआर, मैं अभी बताऊंगा इसके बाद। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, उसकी बहुत सारी कॉपी बना लेंगे। कंस्ट्रक्शन ऑफ आरडीएनए, अब बहुत सारी कॉपी हो गई, बहुत सारे क्लोनिंग वेक्टर हो गए, तो डीएनए लाइगेज की हेल्प से इस जीन को उन क्लोनिंग वेक्टर में चिपकाना जिससे कि आरडीएनए बन जाएगा बाय लाइगेशन ऑफ डिजायर्ड जीन विद क्लोनिंग वेक्टर, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आरडीएनए इनटू कॉम्पिटेंट होस्ट, अब ये आरडीएनए बन गया, इसको मैंने अभी मेथड्स बताए थे, उसके थ्रू उस होस्ट सेल में ट्रांसफर करना। लार्ज स्केल कल्चर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑन लार्ज स्केल कल्चर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इन बायोरिएक्टर्स
बायोरिएक्टर बड़ी बड़ी कल्चर वेसल्स होती हैं जिनके अंदर ट्रांसफॉर्मेंट्स को ग्रो करेंगे। ट्रांसफॉर्मेंट्स को सेलेक्ट कैसे करेंगे वो मैंने दो मेथड्स बता दिए थे आपको, एक तो रिपोर्टर एंजाइम बेस्ड मेथड था और एक सेलेक्टेबल मार्कर बेस्ड मेथड था। उन दो मेथड से हम ट्रांसफॉर्मेंट्स को सेलेक्ट करेंगे और लार्ज स्केल पर ग्रो करेंगे। डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग, एक्सट्रैक्शन ऑफ डिजायर जीन प्रोडक्ट, जीन इंसुलिन हार्मोन, उस जीन से सभी इकोलाई बैक्टीरिया में बन जाएगा जो उस कल्चर वेसल में है, उन इकोलाई बैक्टीरिया से क्रशिंग, आइसोलेशन और सेपरेशन करके हम इंसुलिन को प्योर फॉर्म में ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है, तो किसी भी बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेस में या ये सारी स्टेप सिक्वेंस में चलेंगी। एक एग्जाम्पल मैंने इंसुलिन का बताया, समझा? तो अब हम इनको थोड़ा डिटेल में पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो आपको ये स्टेप सारी लिखनी है कंटिन्यूअस और नोट्स इसी वीडियो में से ही बनेंगे। बस एक डायग्राम की फोटो मैं सेंड करूंगा, वो डायग्राम इसके तुरंत बाद आपको बनाना है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर से हम स्टार्ट करने वाले हैं आइसोलेशन ऑफ डीएनए, पहले स्टेप, दूसरी और लास्ट, फिर ये चैप्टर कंप्लीट होगा। ठीक है, बहुत सारी चीजें बीच में स्टेप्स हम पढ़ चुके हैं तो कुछ ही बची है, थोड़ा ही पार्ट बचा है चैप्टर का, तो आप इसके तुरंत बाद बनाना डायग्राम जो मैं भेजूंगा आपको। ओके, समझ गए सभी? तो अच्छे से इस वीडियो के नोट्स इसी में से बनाने, बस डायग्राम सेंड करूंगा। ओके, थैंक यू।